शाहिन वालिया। सो आज आपकी फिल्म भी रिलीज हो रही है दिशुम, तो आपको कैसा लग रहा मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से फिल्म देखने चला जाऊं है? तो दिशुम का एक लाइन का थोड़ा गा के सुनाएंगे। सर जी, फिल्म के बारे में बताइए और कौन से गाने का आपने रिकॉर्डिंग किया आज? आज मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, दिलदारा करके एक सॉन्ग है, और म्यूजिक डायरेक्टर हमारे सुकुमार साथ में हमारे, और फिल्म जैकलिन आई एम कमिंग एक ऐसी टाइटल मूवी है, और हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है सुकुमार की हमारी, हम लोग प्रीतम सर के साथ भी काम कर चुके हैं जब पहले मिले थे, और पिंकू दुबू जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इनके साथ मैं पहला गाना कर रहा हूँ ये, तो एक खूबसूरत सॉन्ग आज रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे। फिल्म का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, कुछ आपको फिल्म के बारे में बताएंगे? मैं शायद नहीं जितना बता पाऊंगा जितना दुबे जी बताएंगे आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है सच में, और मुझे गाना गाने में मज़ा आया बिकॉज एक लव स्टोरी है, खूबसूरत सी खूबसूरत वर्ड है गाने के, सर क्या नाम, जयराज जी ने गाना लिखा है, तो रिलीज गाना ऑडियो जब आएगा तब मुझे लगता है अच्छा और सुनाएगा। तो शायद जी आपने कहा प्रीतम जी के साथ उस गाने से आपको काफ़ी पहचान मिली थी मौसम जी, के तो तब से लेकर अब तक किस तरह के गानों के साथ आपका सफ़र रहा, क्या क्या खास रहा जिसे आप बताना चाहेंगे? सफ़र उतार चढ़ाव तो चलते रहते लाइफ में, लेकिन प्रीतम सर को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने जो मुझे एक रब्बा मैं तो फिर सॉन्ग दिया था, उसकी बदौलत आज मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, जिनके प्यार की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ, तो जो हमारे साथ खड़े हैं नहीं खड़े सबका कहीं ना कहीं योगदान है। अजय, जो जैकलिन आई एम कमिंग जो आपने गाना किया, ये किस मूड का गाना है? ये उन दोनों के प्यार की एक दास्तान है जो इस गाने के अंदर है, उनकी जो प्यार की गहराई है सच्चाई है और उनकी जो इच्छाएँ हैं एक दूसरे को लेकर, इस गाने के अंदर पूरे भाव पूरा भावपूर्ण सॉन्ग है ये, तो इस गाने का ये कलर है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके इन फ्यूचर जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? अभी तो हैप्पी भाग जाएगी आने वाली है एक फिल्म, मेरे बर्थडे के दिन है, और सुहेल सेन ने मुझे एक अच्छा गाना दिया उसमें, और आज के दिन एक फिल्म रिलीज हुई है दुशुम जिसमें एक टाइटल ट्रैक मैंने गाया मैंने और रफ्तार ने, तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा जी। जी अच्छा, ऐसा मानते हैं शाहिद जी कि आज के दौर में आवाज़ को पहचान बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहले के मुकाबले, बहुत भीड़ है? क्या है कि मेहनत पहले ज़्यादा थी, अभी रास्ते ज़्यादा हैं, अभी लोग रियाज करने से ज़्यादा गाने में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि इतने सारे रास्ते खुल गए हैं, उसमें लोग रियाज भी करते थे और गाना भी गाते थे और मकबूल भी होते थे, आज के सिंगर्स हैं उनका गाना तो सबको पता है लेकिन सिंगर्स का पता ही नहीं है, तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, कभी तफसील में बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।